दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक उस छोटे से पेनी स्टॉक की जिसका नाम है विकास लाइफ केयर। तो उसकी आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आई जो आप डेट से देख सकते हो, 21 तारीख और दूसरा महीना 2022। तो आज की डेट में ये सामने आई है निकल के। तो हम बात करने वाले हैं कि आज सुबह क्या टाइम आई थी, 10:21 में एक्सीडेंट, इसमें से टाइम ये टाइम वगैरह दे रखा है तो आप देख लीजिए। 10:30 की ये लास्ट अपडेट है विकास लाइफ केयर की, तो आप इसके बारे में ज़रूर देख सकते हो। विकास लाइफ केयर की एक अपडेट आई है निकल के, आई ग्रुप प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में ये बनाई गई है, लास्ट अपडेट दिया है जो आज के सामने आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हो। तो अब क्या है होने वाला है, तो अब ये होने वाला है तो उसी के बारे में हम चल के बात करने वाले हैं, क्या होगा आगे चल के और क्या होगा क्या नहीं होगा उसी के बारे में बात करने वाले। चलो हम चलते हैं, आज के दिन क्या मोमेंटम हुआ उसको देखते हैं। तो गाइज, आज के दिन में क्या मोमेंटम रहा इसका, तो उस पेनी स्टॉक का नाम है विकास लाइफ केयर, आप देख ही लिए होंगे तो और बता दूँ आपको। तो आज के दिन में इसका ओपनिंग हुई थी 5.25 रुपये पे और आई गया था 5.30 रुपये पे और लो आया था 5.25 रुपये पे। तो इसका मार्केट कैप अच्छा है और कंपनी देखो मार्केट कैप 600-900 करोड़ का है, तो आप डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हो मार्केट कैप यहाँ इतना बड़ा दिखा रहा है, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है ये। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ देखो ओपन हुआ था, ये देख लीजिए आप, ओपन में दिखा रहा है ये सब कुछ। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप देख लीजिए, एक दिन की चार्ट पैटर्न देख लीजिए और 5 दिन की चार्ट पैटर्न देख लीजिए। 5 दिन में यही दिखा रहा है कि अब देखो बात करने वाला है कि क्या होने वाला है आगे चल के, कल के दिन में मोमेंटम क्या। आज थोड़ा मोमेंटम बढ़ा था बट फिर लो सर्किट में क्लोज हो गया। तो कल क्या होने वाला है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कल क्या होगा। तो कल देखो आपको मैं बता दूँ, एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है जो है सामने उस लास्ट अपडेट की वजह से। और कल के दिन में आपको मैं बता दूँ कि मोमेंटम बना रहेगा और कल के दिन में हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, 70% चांस है कि कल के दिन में अपर सर्किट पकड़ जाएगा ये स्टॉक। तो आप लोगों से मैं यही नज़रअंदाज करूँगा कि आप ऐसे स्टॉक में नज़र बनाए रखें और ऐसे स्टॉक को बाय करने के लिए आप मौका देख ले, अभी मौका है, अभी एंट्री लेना चाहिए आप लोगों को। अब मैं कल तक बता दूँ मोमेंटम बनेगा ना तो आप लोग एंट्री ज़रूर लेंगे और अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में। मल्टी बगर स्टॉक है ये, मल्टी बगर आपको बता दूँ, मल्टी बगर स्टॉक जो आपको बता रहा हूँ मैं आज भी, आने वाले 6 मंथ के दे अंदर देख लियो, मल्टी बगर स्टॉक है ये। तो आप लोगों से मैं यही करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको बाय करिए, अच्छा एंट्री लेने के लिए मौका अच्छा मिलेगा। अभी कल के दिन हो सकता है अपर सर्किट चला जाए और मोमेंटम भी बन सकता है। अभी रिटर्न इसने कुछ भी नहीं दिया है भाई साहब, कुछ भी नहीं, और लोगों का ऐसी बात नहीं है, पैसे बनाए भी है तो डरने वाली अब बात नहीं रही। अब जो कुछ भी है कल पता चल जाएगा आप लोगों को, कल 70% है कि अपर सर्किट में जाएगा ये स्टॉक, बाकी देखो 30% है ना, वो पब्लिक है क्या अभी कुछ भी कर सकती है। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपको मेरे ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप मेरे नीचे जाके वीडियो देख सकते हो, और बहुत सारे भी पेनी स्टॉक के बारे में वीडियो बनाए हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।